एमपी के चंबल अंचल में 2 दिन पहले 3 दिन से पैरानी के साथ ओले गिरे। ऐसे में किसानों के चेहरे पर संकट के बादल बढ़ने लगे। भिंड जिले में 300 साल बाद पहली बार कुंडेश्वर शिव जी महाराज की पालकी बैठाकर शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें अर्जी लगाई गई। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बताते हैं। क्या अर्जी लगाते हैं भगवान से सभी भक्त लोग। दरअसल बरसात की वजह से जिले में 50% करीबन नुकसान हो चुका है। ऐसे में हालांकि अभी प्रशासन तो इस बात को पुष्टि नहीं कर रहा है, कम आंकड़े बता रहा है, लेकिन किसानों का मानना है 50% की फसल चौपट हो चुकी है। ऐसे में किसान मन डरने लगा है। भिंड जिले में भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है, जहाँ शुरू होने से पहले किसानों ने कुंडेश्वर महाराज के पास शिव जी से गुहार लगाते हुए अर्जी लगाई और कहा, आपके सिर से गंगा निकली है, जिसको संभालो नहीं तो हमारी मेहनत की फसल बर्बाद कर देगी। जिसके बाद मंदिर में पुजारी ने भगवान से अर्जी लगाते हुए फसल की रखवाली करने की मन्नत भी मांगी। भिंड में कुंडेश्वर मंदिर में 300 साल में पहली बार भगवान शिव जी की पालकी में सवार होकर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। पालकी में सवार शिव जी से शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में भक्त लोग शामिल हुए। इसमें भक्तों ने शोभा यात्रा में मन्नत मांगते हुए कहा कि बुरी नजर से हमारे शहर को बचाओ, जिसमें 300 साल शिव जी की शोभा यात्रा में तमाम भक्त लोगों ने अपनी फसल को बर्बाद होने से भी गुहार लगाई। दरअसल शहर में मंदिर भगवत कथा का आयोजन हो शुरू हो चुका है। ऐसे में कथा वाचन में राष्ट्रीय संबोधन योगानंद महाराज जी द्वारा की जा रही है। भागवत कथा पंडाल में काफी भक्त लोग संख्या में पहुंच रहे हैं और कथा का आनंद ले रहे हैं। कथा व्यास ने कहा, मनुष्य को एक सामान्य प्राणी है, अपने आप को समझे। 84 होने में भटकने के बाद मनुष्य को जन्म मिलता है। जब कहीं अच्छे कर्म करो, इसके लिए वादी बड़े मन्नत से मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है, फिर भी मनुष्य इधर उधर भटकता रहता है। दरअसल आपको बता दूं, लगातार इस समय बरसात की वजह से भिंड में शहर में ओले पड़ रहे हैं, वर्षा हो रही है, किसानों को नुकसान हो रहा है। भगवान इंद्र से प्रार्थना करने के लिए कि किसानों को ओलावृष्टि ना हो, अनावश्यक कोई वर्षा ना हो जिससे किसानों को नुकसान हो, इसलिए सनातन धर्म और कुंडेश्वर महादेव में जो भव्य आयोजन कलश यात्रा निकाली है। शिव जी को शिव की महिमा श्री शिव महापुराण की कथा कल से प्रारंभ होगी, जिसमें प्रातः काल श्री पार्थिव शिवलिंग निर्माण होगा और उसमें 2 बजे से श्री महाशिव महापुराण की कथा होगी। शाम को भव्य गंगा आरती होगी, जैसे काशी में 80 घाट पर होती है। ऐसा बताया जा रहा है माता जी, कुंडेश्वर महाराज 300 साल में पहली बार शहर में निकले हैं पालकी में। जी जी, आज तक जो है कुंडेश्वर भगवान पालकी में कभी निकले नहीं है। पहली बार जो है कुंडेश्वर भगवान 300 साल पहले जो यहाँ पूर्वज थे उन्होंने पालकी निकाली थी, फिर आज जो है भगवान की जैसी इच्छा हुई तो उन्होंने नगर भ्रमण किया।